शिवसेना उपनेता और महाड़ा के चेयरमैन विजय नाहटा ने अपना जन्मदिन गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा और सहायता के साथ मनाया। इस अवसर पर आज नवी मुंबई के कई ठिकानों पर जनसेवी उपक्रम चलाए गए। इसकी शुरुआत शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने तुर्बे की गरीब महिलाओं में वस्त्र और साड़ियों के वितरण से किया। उन्होंने हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटे और वरिष्ठ नागरिकों के बीच केक काटा और सबका आशीर्वाद लिया। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने अपना जन्मदिन मुंबई के जरूरतमंद नागरिकों और गरीबों के बीच मनाया। इस अवसर पर जहां उन्होंने तुर्बे नाका पर गरीब महिलाओं को साड़ियां बांटी, वहीं सानपाड़ा, नेरुल और बेलापुर में वृद्धाश्रम जाकर बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने बेलापुर में गौशाला में भी भेंट दी और सानपाड़ा में ओपन जिम का भी उद्घाटन किया। इंदिरा नगर में अपने जन्मदिन पर आयोजित रक्तदान शिविर में भी शिवसेना उपनेता ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने वाशी के महानगर पालिका अस्पताल जाकर मरीजों को फल और खाद्यान्न बांटे और उनका हाल जाना। इस अवसर पर जिला प्रमुख विठल मोरे, उप जिला प्रमुख मिलिंद सूर्य राव, दिलीप घोड़ेकर, शहर प्रमुख विजय माने समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। शिवसेना उपनेता विजय नाहटा ने अपने जन्मदिन पर सामाजिक और जनसेवी कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शिव सैनिकों की सराहना की। उन्होंने सभी उपक्रमों को नवंबईकरों की सेवा में समर्पित करते हुए शुभेच्छा देने वाले कार्यकर्ताओं, नागरिकों और समर्थकों के प्रति भी आभार जताया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। भगवा सप्ताह 23 जानेवारी पासून 31 जानेवारी पर्यंत या मतदारसंघामध्ये आम्ही राबवला। संपूर्ण शहरामध्ये लोकांच्या उपयोगाचे, लोकांना मदत करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असणारे, लोकांचा त्रास कमी करणारे शेकडो कार्यक्रम शिवसैनिकांनी या मतदारसंघामध्ये घेतले। त्याच्यामध्ये मग सिनियर सिटीजनचे कार्ड देण्याचं कार्य असो, आधार कार्ड असो, श्रम कार्ड असो, मतदार यादीच्या संबंधात इलेक्शन कार्ड देण्याचं काम असो, 50% हेल्थचं कन्सेशन देणारी कार्ड असो, किंवा याच्याशिवाय क्रिकेटचे सामने घेण्याचा उपक्रम असो, आरोग्य शिबिर घेण्याचा उपक्रम असो, शेकडो कार्यक्रम या मतदारसंघामध्ये मागच्या 8 दिवसामध्ये घेतले गेले। आणि तुम्ही पाहिलं असेल, संपूर्ण शहर भगवामय झालेलं आहे। सगळीकडे तुम्हाला भगवे झेंडे लागलेले दिसतील, पण या सगळ्यामध्ये शिवसेनेने एकच उद्देश ठेवला होता की जी गरीब माणसं आहेत, जी मध्यमवर्गीय माणसं आहेत आणि ज्यांना आरोग्य चिकित्सेसाठी किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचे दाखले घेण्यासाठी त्यांची ऐपत नाही किंवा वेळ नाही आहे, या सगळ्या लोकांना मदत करण्याचा एक पण आम्ही उचलला होता आणि फार मोठ्या प्रमाणावर हा यशस्वी झाला। आणि विशेष अभिनंदन या भागातले आमचे घोडेकर जे आहेत त्यांचं मी करतो की त्यांनी कार्यक्रमाची रेलचेल लावली होती 8 दिवस। म्हणजे आपण पाहिलं की श्रम कार्ड वाटपाचा कार्यक्रम या ठिकाणी घेतला, युनिव्हर्सल कार्ड वाटपाचा कार्यक्रम घेतला, लोकांना हेल्थमध्ये 50% कन्सेशन देण्याचा कार्यक्रम घेतला, नेत्रचिकित्सेचा कार्यक्रम घेतला, रक्तदान शिबिराचा कार्यक्रम घेतला आणि ज्या लोकांनी करोना काळामध्ये चांगलं काम केलं त्यांचाही सत्कार त्यांनी या ठिकाणी केला। त्यांची सगळी टीम मागच्या 8 दिवस या कामासाठी राबत आहेत, लोकांना मदत करणं, निरपेक्ष भावनेनं मदत करणं असं काम त्यांनी केलेलं आहे, त्यांचं विशेष अभिनंदन करतो। मोरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या शहरामध्ये खरोखर एक चांगला उपक्रम 23 तारखेपासून 31 तारखेपर्यंत राबवून लोकांना मदत झाली, त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार मानतो। इस अवसर पर शिवसेना उपनेता विजय नाहटा का कई ठिकानों पर सत्कार किया गया। यहां स्थानीय नेताओं और नागरिकों ने उपनेता विजय नाहटा के राजनीतिक कौशल्य एवं जनसेवी कार्यों की भी सराहना की और उन्हें एक लोकप्रिय एवं दूरदर्शी नेतृत्व की नई पहचान बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।